are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I'm Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बेटा? हमारा असेंबली टाइम है. और आज हम लोग असेंबली टाइम में क्या करने वाले हैं बेटा? रिवीजन ऑफ कन्वर्सेशन. ओके, कन्वर्सेशन क्या होता है बेटा? जब आपस में दो लोग या तीन लोग या थोड़े ज्यादा लोग आपस में जब बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, जब बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उस बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्सेशन. ओके, जैसे अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई टू लोग मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो इट मींस मैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ. ओके बेटा, तो बेटा जितने भी कन्वर्सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, आज उन सभी क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन होगा. ओके बेटा, तो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो किड्स, मैं आपसे वन बाय वन करके क्वेश्चन पुट करूंगी, आप मुझे उसका आंसर करोगे. ओके, जल्दी से. ओके बेटा, ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन समबडी कम टू योर हाउस देन हाउ विल यू ग्रीट. जब कोई आपके घर पे आता है तो आप उसको कैसे ग्रीट करते हो, कैसे उसको विश करते हो, क्या बोलते हो आप? हेलो, या क्या बोलोगे? हाय, या नमस्ते. जो भी बेटा आपके कल्चर से बिलोंग करता है, आप विश जरूर करो कोई भी जब आपके घर पे आता है. ओके बेटा, तो एक बार दोबारा क्वेश्चन सुन लो. When somebody comes in your house, then how will you greet? कैसे greet करोगे? Hello, hi, जो भी आपका मन करता है. Okay, your next question is, how are you? तो आप क्या बोलोगे? I am fine, thank you. Okay, next question है बेटा आपका, in which class do you study? तो आप क्या बोलोगे? I study in nursery class. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तो आप क्या बोलोगे? आई स्टडी इन द विजडम स्कूल. आप द विजडम स्कूल में पढ़ते हो ना, तो क्या बोलोगे? आई स्टडी इन द विजडम स्कूल. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? आपको अपना नेम बताना है, तो आप कैसे बोलोगे? माई नेम इज, फिर अपना नेम बोलोगे. जैसे मेरा नेम ज्योत्सना है तो मैं कैसे बोलूंगी? माई नेम इज ज्योत्सना. आपका जो भी नेम है, अपना नेम बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? माय नेम इज, फिर आप अपना नेम बोल दोगे. क्लियर बेटा? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर्स नेम? तो क्या बोलोगे? माय फादर्स नेम इज मिस्टर. मिस्टर जरूर लगाओगे, मिस्टर, फिर अपने पापा का नेम बोलोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मदर्स नेम? तो आप कैसे बोलोगे? माय मदर्स नेम इज मिसेस, फिर अपनी मम्मा का नेम बोलोगे. नेम बोलने से पहले क्या लगाओगे आप? मिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? तो आप क्या बोलोगे? माय ब्रदर्स नेम इज, फिर अपने भाई का नेम बोल दोगे. ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? तो आप क्या बोलोगे? माय सिस्टर्स नेम इज, फिर अपनी सिस्टर का नेम बोलोगे. ओके बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर क्लास टीचर? आपकी क्लास टीचर कौन है? मैं आपकी क्लास टीचर हूं ना, तो कैसे बोलोगे? मिसेस ज्योत्सना इज माय क्लास टीचर, कि मिसेस ज्योत्सना जो है वो मेरे क्लास के टीचर है. हु इज योर क्लास टीचर? मिसेस ज्योत्सना इज माय क्लास टीचर. ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर प्रिंसिपल? आपके प्रिंसिपल कौन है? तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर गुरप्रीत सिंह इज आर प्रिंसिपल. मिस्टर गुरप्रीत सिंह है ना आपके प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर गुरप्रीत सिंह इज आर प्रिंसिपल. क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज योर फ्रेंड? आपका फ्रेंड जो आपको सबसे अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे इसका आंसर? पहले अपने फ्रेंड का नेम बोलोगे और उसके बाद बोलोगे इज माई फ्रेंड. जैसे मेरे फ्रेंड का नेम रेहान है, तो मैं क्या बोलूंगी? रेहान इज माई फ्रेंड. ओके बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आर कंट्री? आपकी कंट्री का नेम क्या है? बेटा कंट्री, कौन सी कंट्री में रहते हो आप? इंडिया में. तो आप कैसे बोलोगे? द नेम ऑफ आर कंट्री इज इंडिया. क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ पे रहते हो? आप सिरसा में रहते हो ना, तो आप कैसे बोलोगे? आई लिव इन सिरसा. क्लियर बेटा? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे आई हैव टू आईज. हाउ मेनी नोज डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे आई हैव वन नोज. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे आई हैव टू ईयर्स. हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, आई हैव टू हैंड्स. हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे आई हैव टू लेग्स. क्लियर बेटा. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क. मिल्क का क्या कलर होता है, द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो ग्रास का क्या कलर होता है, तो आप क्या बोलोगे द कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन. क्या कलर होता है ग्रास का, ग्रीन ना. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेयर डज योर मदर कुक फूड, आपकी मम्मा खाना कहाँ बनाती है. वेयर डज योर मदर कुक फूड, तो आप क्या बोलोगे माय मदर कुक्स फूड इन द किचन. कहाँ पे बनाती है आपकी मम्मा, किचन में बनाती है ना. किड्स मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. वेयर डज योर मदर कुक फूड, माय मदर कुक्स फूड इन द किचन. किचन में बनाती है ना बेटा. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज योर मदर पुट बिंदी, मम्मा बिंदी कहाँ लगाती है, कहाँ पे लगाती है बेटा, फोरहेड पे. तो कैसे बोलोगे माई मदर पुट्स बिंदी ऑन द फोरहेड. फोरहेड पे लगाती है ना आपकी मम्मा, है ना. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज योर मदर वियर बैंगल्स, कहाँ पहनती है आपकी मम्मा बैंगल्स, तो आप क्या लिखोगे माई मदर वियर बैंगल्स इन द आर्म्स. आर्म में पहनती है ना, देखो मैम ने पहनी है ना ये बैंगल, आर्म में पहनी है ना, तो आपकी मम्मा भी आर्म में पहनती है. आप कैसे बोलोगे माय मदर वियर बैंगल्स इन द आर्म्स. ओके बेटा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने घर पर अच्छे से रिवाइज करने हैं. ओके बेटा, करोगे ना बच्चे. ओके, अब आपके एग्जाम्स भी हैं, है ना, तो उसमें कन्वर्सेशन मैंने टॉपिक डाला है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने मुझे अच्छे से रिप्लाई करना है. ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर.